और मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत। ये जगह खाली आ गए तशरीफ लाएं साहब हजरात। नमाज जुमा का खुतबा तो असा होता है, इस मजलिस में तो मौलवी की हाथ में असा भी नहीं, क्या डर है। रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين وال काफिरीन वल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअना अबिल कासिम मुहम्मद। آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد ورد في زيارة سيد الشهداء يوم الأربعين عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال فبدل مهجتك مهجتك في فبدل مهجته فيك لينقذ عبادك من الجهالة وحيرت الضلالة صلوات بجيه محمد وعلى محمد عليه السلام। मैंने आप हजरात की खिदमत में दो शबों पहले, दो रात पहले जिस गुफ्तगू का आगाज किया है उसका मकसद है कि आज़ादारी हम किस तरह करें कि हम उस फैज़ तक और उन बरकतों तक पहुंच सकें जो बरकतें दुनिया और आखिरत की अल्लाह ने इस इबादत में रखी हैं। और इस सिलसिले में मैं अपने छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लबाए मुबारक से जो कलमात अदा हुए हैं जब आप अपने जद की ज़ियारत कर रहे थे अरबईन के दिन, तो उस ज़ियारत पे उस हिस्से में जिसमें हुसैन पर सलाम के बाद इमाम ने अपने मालिक से गुफ्तगू शुरू की है और ज़िक्र किया है उन एहसानात का, उन खुसूसियात का और
उन अजमतों का जिनसे अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नवाजा था। जुमला जबान से निकला तो जहन में बात आई कि मैंने एक जुमला कह दिया है कि अल्लाह ने कुछ खसूसियात से इमाम हुसैन को नवाजा था, लेकिन मेरे ये जवान मेरी बेटियां मुझे ने कहाँ कहाँ से शौक में, अभी मैं देख रहा था, ये सिवाय शिद्दत मवद्दत और मोहब्बत के और कुछ नहीं है कि नंगे पैर छोटे छोटे बच्चों को ले के बेटियां आ रही हैं और न जाने कहाँ कहाँ से पियादापा और नंगे पैर हुसैन के शहदाई आ रहे हैं ताकि हुसैन की आज़ादारी एक साथ मिल के कर सकें। और आज़ादारी उस इबादत का नाम है जिसको परवरदिगार आलम ने, जिसका खाका इस तरह बनाया है और जो इस तरह साहिबान ईमान के ज़िम्मे किया है कि इबादतों पे अगर आप नज़र डालेंगे तो कुछ इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ आदमी अकेले कर सकता है, लोगों के साथ मिलके नहीं कर सकता। जितनी सुन्नत नमाजें हैं, मुस्तहब नमाजें हैं, रोज़ाना की पांच वक्त की नमाजों के साथ जो नवाफिल हैं और नमाज शब है, इसके अलावा जो साल भर आमाल में नमाजें बताई जाती हैं, कोई भी सुन्नत और मुस्तहब नमाज जमात से नहीं हो सकती। जिसको पढ़ना है अकेले पढ़ेगा। इसके मुकाबले में कुछ इबादतें ऐसी हैं जो आदमी अकेले नहीं कर सकता। मसलन नमाज जुमा है, ये आदमी अकेले नहीं पढ़ सकता, इसमें जमात का होना लाजमी है। मसलन हज है कि हज में अल्लाह ने सारे आलम इस्लाम पर वक्त के तायुन के साथ किस जगह किस वक्त तुम सबको मौजूद होना है, तो वहाँ भी आदमी अकेला नहीं होगा, जमा होगा। तो एक तरफ वो इबादतें हैं जो बस अकेले करना है, साथ मिल के नहीं करना है। एक तरफ वो इबादतें हैं जो साथ मिल के करना है, अकेले नहीं करना है। लेकिन इबादतों की तीसरी किस्म वो है कि जहाँ दोनों तरह से अल्लाह ने उनको रखा है, तन्हाइयों में भी इबादत करना है और मिल के भी इबादत करना है। आज़ादारी उन्हीं इबादतों में से है। जो फ़रीज़ा नमाज है पांच वक्त की, वो तन्हा भी पढ़ी जा सकती है और जमात से भी पढ़ी जा सकती है। दुआएं अकेले भी पढ़ी जा सकती हैं, दुआएं मिल के पढ़ने के फ़ज़ाइल भी हैं। दुआ अकेले करने के अलग असरात हैं और दुआ साथ मिलके करने के अलग असरात हैं। परवरदिगार आलम ने आज़ादारी में ये गुंजाइश भी छोड़ी है कि जब तुम्हारे लिए मिलके करना मुमकिन ना हो तो अकेले करो, और अकेले करने के लिए शायद और किसी इबादत में इतनी गुंजाइश ना हो जितनी यहाँ रखी। कहा कि जब पानी पियो तो हुसैन को याद करो। अब जिंदगी से हुसैन की याद को अल्लाह ने जोड़ दिया, जिंदगी में पानी पीने से जोड़ दिया। जब किसी हुसैन पर पड़ने वाली मुसीबत को याद करके एक आह भरो तो तुम्हारी ये आह भी एक कारे सवाब बन जाती है और इस पर अल्लाह अज्र देता है। मुझे पढ़ने को जो मिला है कि माह मुबारक के रमज़ान में रोज़ा रख के जो आदमी रोज़ा रख लेता है, जब सांस लेता है तो वो सांस भी तस्बीह बन जाती है। उससे मिलती जुलती ये कैफियत अज़ादारी की है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हमारी किसी
मुसीबत को याद करके खाली हमारा कोई चाहने वाला एक ठंडी सांस ले तो उसकी ये सांस तस्बीह बन जाएगी। और इससे भी और कम, खाली इमाम ने फरमाया कि हमारी मुसीबत को याद करके अगर उसके दिल पे गम तारी हो जाए, न ठंडी सांस ले, न आंखें नम हो, न आंसू बहें, न गिरिया करे, न मातम करे, खाली हमारी मुसीबत को याद करके उसका दिल महजून हो जाए, तो उसके दिल का महजून होना भी इबादत परवरदिगार है। तो ये इबादत है जो दो तरह से होती है, अकेले भी और इज्तमाही शक्ल में भी। मजलिस तब होगी जब कोई पढ़ने वाला है, कोई सुनने वाला हो, लेकिन रोना आदमी को अगर हुसैन को याद करके आ गया तो किसी ने याद दिलाया कि याद दिलाया करबला याद आ गई और हुसैन पर रो लिए, तो ये भी इबादत है। मन बका अलल हुसैन, जो हुसैन पर रो दे या हुसैन पर रोला दे या आंखों से आंसू न निकले मगर गमे करबला को याद करके अपने ऊपर गम की कैफियत भी तारी कर ले तो उसकी जजा भी जन्नत। तो मैं दो दिनों से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं बार बार ये बात कि परवरदगार आलम ने अपनी इबादतों में इस इबादत को बेहद अहमियत दी है, अज़ादारी करने को, अदादारी की हिफाजत पर हर चीज का इंतजाम उसने किया है, जिसके मैं नमूने रोज आपकी खिदमत में दो दिन से पेश कर रहा हूं कि खाना काबा तवाफ करने वालों से खाली हो जाए मगर कब्र हुसैन पर हमेशा 70,000 फरिश्ते तवाफ करते रहेंगे। तो ये वो निजाम अल्लाह की तरफ से बनाया गया है कि जिसमें हम तवज्जो दें तो जितना एहतमाम अल्लाह ने आजादारी के लिए किया है शायद किसी और इबादत के लिए इतना एहतमाम और इंतजाम नहीं दिखाई देता। तो इसके पीछे कोई ना कोई, जब बड़ा इंतजाम हो तो उसका कोई बड़ा मकसद भी होना चाहिए, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन दरमियान में मैंने कहा कि जब ज़ियारत अरबईन ये का टुकड़ा हम ये जो पढ़ा मैंने ये पढ़ते हैं, तो इससे पहले हमारे इमाम ने उन चीज़ों का तस्करा किया है जो अल्लाह ने जिन अजमतों से और खसूसियतों से हमारे तीसरे इमाम को नवाजा था। मैं उनमें से एक नमूना सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके जहनों में यह रह जाए कि खसूसी कुर्बानी हुसैन ने जो दी तो उस कुर्बानी की के खसूसी नतीजे क्या हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही का इरशाद है, इमाम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अजीम कुर्बानी दी है, जो कुछ था हुसैन के पास सब कुर्बान कर दिया, जान दे दी, औलाद दे दी, माल दे दिया, हत्ता के बहनों और बेटियों के सरों से चादरें छीनने को भी गवारा कर लिया, वकार की कुर्बानी जो शरीफों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी होती है वो भी दे दी। क्यों? ताकि अल्लाह के दीन को बचा सके। अब इसके बदले में हुसैन को जो कुछ मिला है उसमें से एक रवायत सुन ले। हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो रवायत में पढ़ रहा हूं उसमें चार चीजों का तस्करा, यही नहीं कि ये चार खसूसियतें हैं, फरमाया कि कुर्बानी के बदले में हुसैन को अल्लाह ने चार खसूसियतों से नवाजा। वो कौन कौन सी खसूसियतें? पहली खसूसियत, हम आप सबको बचपन से सिखाया गया है कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की कुबूर की कब्रों की ज़ियारत करें, और ज़ियारत का जो सवाब बेहिसाब है। आदमी सारी जिंदगी तमन्ना करता है ज़ियारत पर जाने को मिले, जमा करता है और फिर जाता है, इसलिए कि इन ज़ियारतों में बेहिसाब सवाब है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी, उनके दामाद और जानशीन मौला अली और उनकी नस्ल में जितने अइम्मा, फिर उनके औलाद में जो औलिया और सालहीन, सब की ज़ियारतों में सवाब और अजर है।
मगर इमाम की ज़ियारत, तीसरे इमाम की ज़ियारत को अल्लाह ने खुसूसियत अता की है। ये बताइए, हम आप इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं तो एक हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी एक उम्र है, मुअय्यन है हमारी उम्र, हमारी ज़िंदगी मुअय्यन है कि कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, सब अल्लाह की तरफ से मुअय्यन, हमें नहीं पता है। अब ये वक्त हमारा जो है यही तो हम खर्च कर रहे हैं, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, हमारी जिंदगी का वक्त लिमिटेड है या लिमिट नहीं है उसकी कोई, सबके पास लिमिटेड वक्त है, हम नहीं जानते। मगर जैसे हमें अपने पैसों का पता होता है इतने पैसे हैं, तो अगर लगता है कि कम है तो बचा बचा के संभाल संभाल के खर्च करते हैं, और लगता है बहुत है तो बड़े आराम से खर्च करते हैं। तो हमें पता नहीं है कि हमारा वक्त कितना है, लेकिन बहरहाल एवरेज एज तो 60-70 साल से ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको ये बहुत लगती है तो जहां जी चाहे वक्त लगाइए, बेकारी में गुजारिए, गुनाह में गुजारिए, सो के गुजारिए, तफरी करके गुजारिए, लेकिन अगर ये लगे कि नहीं भैया जितना काम करना है, न मिटने वाली आखिरत बनाना है, जन्नत बनाना है, कौसर हासिल करना है, जन्नत की नेमतें हासिल करना है, अगर ये सब करना है, रजाए परवरदिगार हासिल करना है, तो फिर ये वक्त बहुत कम है उसके लिए। यहां एक घर बनाने में 50 साल निकल जाते हैं, 40 साल निकल जाते हैं, तब जाके घर बनाने लायक होते हैं। तो जन्नत में इतनी ठाठ की जिंदगी चाहिए तो फिर इसी दुनिया में तो बनाना है। तो अगर ये एहसास हो जाए कि दुनिया के सारे काम यही करना है, रोजी भी कमाना, बच्चे भी पालना, रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात रखना, पड़ोसियों का भी ख्याल रखना, खुद भी पढ़ना, दूसरों को भी सिखाना, बीमारी का इलाज भी करना, दुनिया के सारे काम भी यही करना है, और आखिरत के सारे काम जहन्नम से ही बचना है, फिशार कब्र से भी बचना है, अजाब और मुनकर नकीर से भी बचना है, मैदान क़यामत की सख्ती से भी बचना है, सिराट में भी जहन्नम में गिरने से बचना है, जन्नत में भी ऊपर वाली क्वालिटी तक जाना है, जन्नत का घर चाहिए, जन्नत के खाने चाहिए, जन्नत की नेमतें चाहिए। तो अगर इतना काम हमें करना है तो फिर हम खुद समझ सकते हैं कि इस जिंदगी को हम बहुत समझें कि जैसे जी चाहे गुजार दें, या बहुत कम समझें कि बहुत संभल संभल के अपने वक्त को खर्च करें। ये फैसला हमारे जवानों को करना पड़ेगा, ये लिमिटेड है जो है आपके पास, और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम उसको महसूस नहीं करते। रिवायत में है हमारे चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सलावात की आवाज उधर से भी आना चाहिए, कोई एग्जम्पशन थोड़ी लिया गया उधर वालों को। इमाम ने फरमाया कि आदमी इस दुनिया में, जवान खुसूसियत से सुने, जो खड़े घंटों गपे लड़ाते रहते हैं, बुजुर्गों से नहीं कहता मैं कुछ, वो तो काट चुके हैं, जैसी सही मैं भी उन्हीं में कहूँ, जो गुजर गई गुजर गई, जो बची बहुत थोड़ी बची। अलबत्ता ये जरूर है कि जवान तो फिर सोचेगा मेरे पास अभी 50 साल बचे हैं, हालांकि किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हम बुढ़ों को तो हर लम्हे सोचना चाहिए कि अगला मिनट कब्र में, तो बूढ़ों को तो ज्यादा ख्याल करना चाहिए कि बच्चे वक्त का ज्यादा हर सही काम किया जाए, जितने वाजिब है अदा कर लिए जाए, जितनी हद तक शरारतें की हैं, फितना फसाद बुढ़ापे के तजुर्बों को लोगों को लड़ाने में, घरों को तोड़ने में, अच्छे काम करने वालों की टांग खींचने में जो लगाते रहे तजुर्बे को, इसको घुमा दें, और अब इस तजुर्बे को जवानों को राह दिखाने में, बस्ती में लोगों को अच्छा बनाने में लगा दें, ताकि आखिरत हमारी अच्छी बन जाए, अपनी अपनी सोच के ऊपर है। बहरहाल इमाम ने फरमाया, और हम सब देखें हमारा जो वक्त अल्लाह ने हमको दिया है 60-70 साल जो भी हमें मिले हैं, इसका जितना वक्त हमने अब तक खर्च किया है कैसे खर्च किया है, 3 सूरतें हैं, या ये वक्त हमने किसी नेकी में, इबादत में, सवाब में लगाया, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, तिलावत की, मजलिस की, नवा पढ़ा, तिला मरसिया सुना, माँ बाप की खिदमत की, मुताला किया, किताब पढ़ी, दीन सीखा, गरीबों की मदद की, अपना वक्त किसी अच्छे काम में लगाया, वाजिब में या मुस्तहब में, एक तो ये हुई। दूसरी किस्म ये हुई कि खुदा न खास्ता अपना वक्त हराम में लगाया, गुनाह में लगाया,
झूठ में लगा वक्त, गीबत में लगा वक्त, साजिशें रचने में लगा वक्त, चौराहों पे खड़े होकर नामहरमों को देखने में लगा वक्त, हराम में लगा, नजिस खाने में लगा वक्त, हराम कमाने में लगा वक्त, मुकदमेबाजी में लगा वक्त, मोमिन को जलील करने में लगा वक्त। वक्त तो लग रहा है ना हर काम में। तो एक वक्त है जो नेकियों में लगेगा, चाहे वाजिब में चाहे मुस्तहब में, एक वक्त है जो बुराइयों में लगेगा, चाहे हराम में चाहे मकरूह में, तीसरा वक्त आदमी किसी काम में नहीं लगाता, यूं ही गुजार देता। जाना ट्रेन के इंतजार बैठे हैं, घंटा लेट है, स्टेशन बैठे हुए हैं, यूं ही गुजार देता। इमाम ने तीनों की किस्में आपने सुन ली, तो आप इमाम का इरशाद सुनिए। इमाम ने फरमाया कि कयामत के दिन इस इंसान के हाथों में उसके वक्त का हिसाब दिया रखा जाएगा कि तुमने अपना वक्त कहां खर्च किया। चौथे इमाम से रवायत है कि जिन चीजों से कयामत कब्र में या कयामत में हिसाब होगा, उसमें एक हिसाब जवानी का अलग से होगा, पूरी जिंदगी का अलग से होगा, और जवानी की एज का हिसाब अलग से होगा कि तुमने अपनी जवानी का वक्त कहां लगाया, दीन सीखने में लगाया, दीन पे अमल करने में लगाया, अच्छे कामों में लगाया, नमाज रोजे में लगाया, माँ बाप की खिदमत में लगाया, या खेलकूद में लगाया, गुनाहों में लगाया, कहां लगाया। जवानी का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। सेहत और तंदुरुस्ती का हिसाब बीमार थे तो अलग, जब तंदुरुस्त है तो कहां, सेहत का जमाना कहां गया। पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हारे पास इख्तदार था तो उस इख्तदार को, उस पावर को, उस ताकत को तुमने कहां खर्च किया, कमजोरों को मदद में खर्च किया या कमजोरों को सताने में खर्च किया। तुम्हारे अंदर सलाहियत थी बोलने की तो ये बोलने की सलाहियत कहां लगाई, झगड़े मिटाने में लगाई या झगड़े बढ़ाने में लगाई। पूरी चीजें अल्लाह की नेमत, इनका हिसाब होगा। उन्हें में एक वक्त है जब वक्त का हिसाब आदमी के सामने आएगा। जुमले सुने तो रिवायत कहती है कि वक्त का हिसाब देखने के बाद एक हिसाब जब सामने आएगा तो ये जिसका वक्त है, जिसका हिसाब सामने आया है, ये इतनी खुशी महसूस करेगा कि अगर इसकी खुशी जहन्नम वालों पे बांट दी जाए, जहन्नम जहां तकलीफ ही तकलीफ है, अजियत ही अजियत है, आग ही आग है, मुसीबत ही मुसीबत है, इतनी खुशी है एक आदमी महसूस करेगा अपने वक्त का हिसाब देख के कि अगर इसकी खुशी जहन्नम वालों पे बांट दी जाए तो सारे जहन्नम वाले थोड़ी देर के लिए अपनी मुसीबत भूल जाएंगे। एक आदमी इतना खुश होगा किस चीज को देख के, अपने वक्त का हिसाब देख के। और जब दूसरा हिसाब सामने आएगा तो यह आदमी इतना रंजीदा होगा, इतना परेशान होगा, इतनी इसके दिल को चोट लगेगी, इतना रंजीदा होगा कि अगर इसका रंज और इसका गम सारी जन्नत वालों पे बांट दिया जाए जो नेमतों में डूबे हैं, तो थोड़ी देर के लिए जन्नत वाले नेमतें भूल जाएंगे और इसके रंज से रंजीदा हो जाएंगे। इतनी बड़ी मुसीबत, पहली खुशी इतनी बड़ी कि जहन्नम वाले अपना गम भूल जाए, मुसीबत, और दूसरा गम इतना बड़ा होगा देख के कि जन्नत वाले भी थोड़ी देर के लिए अगर बांट दिया जाए वो गम, तो थोड़ी देर के लिए रंजीदा हो जाए। और का तीसरा वक्त, का तीसरा वक्त जब सामने आएगा तो पछताता चला जाएगा, पछताएगा पछताएगा पछताएगा, काश ना ऐसा किया होता, काश ना ऐसा किया होता। तो पूछा गया इमाम से कि तीन तरह के कौन से वक्त है, तो इमाम ने फरमाया कि वक्त का वो हिसाब जिसे देख के इतनी खुशी होगी कि जहन्नमियों पे बांट दी जाए तो थोड़ी देर के लिए जहन्नमी अपना अपनी मुसीबत भूल जाएं, ये वक्त का वो हिसाब होगा जिसे इस इंसान ने किसी अच्छे काम में यह वक्त लगाया होगा। मजलिस की तैयारी में, फर्श झाड़ू देने में, तबर्रुक पकाने में, अलम के पर्चे लगा परचम लगाने में, मजलिस सुनने में, नमाज पढ़ने में, तिलावत कुरान में, माँ बाप की खिदमत में, बीमार की तीमारदारी में, पड़ोसी के काम आने में, किसी अच्छे काम में लगाया वक्त जब उसका हिसाब सामने आएगा तो इतना खुश होगा कि अगर इस खुशी जहन्नम वालों पर बांट दी जाए तो जहन्नम वाले भी थोड़ी देर के लिए अपनी मुसीबत भूल जाए। आप तो माशाल्लाह फर्शादा बैठे हैं जो जन्नत का टुकड़ा है, तो गम तो है नहीं, कम से कम खुशी वाली एक सलवात खुद से ही भेज दिया कीजिए। आपकी भी अजीब किस्म है, आपसे लाख खुशामद कहते हैं मेंबर पर क्या पास आके बैठिए, मगर किसी सूरत हम ही नहीं सुनते। और सलवात में बड़े ताबेदार हैं, जब तक हम न कहें
तब तक सलावात नहीं भेजें, कभी खुद से भेज देना चाहिए सलावात, आदमी को बहुत अच्छा लगे। एक और सलावात सारे सामईन मिल के भेजें, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि वसल्लम। तो कौन से वक्त का किस्सा सुनाया मैंने? जो हमारा वक्त कायम लगा हो, बोलिए। मुझे पता है कि आपकी जबान बंगलो है, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि आप 80% हमारी उर्दू समझते हैं, तो मैंने तीन हिसाब बताए, तीन तरह का वक्त। पहला वक्त खराब वाला बताया कि अच्छा वाला? अच्छा वाला, ये उर्दू वाले बोले हैं मुर्शिदाबादी। अच्छा, आप बांग्ला वाले हैं, चलिए फिर आप सबकी सलामती के लिए एक और सलवात बिलजुद दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनके दर्जात आली करें, इंतहाई मुत्तकी परहेजगार। जब पूरे हिंदुस्तान में नमाज ज़ोहरैन अव्वल वक्त नहीं पढ़ी जाती थी, 4-5 बजे सूरज डूबते पढ़ते थे, वो उस वक्त अव्वल नमाज पढ़ते थे, कहीं नहीं देखी मैंने वो, ठीक जोहर का अव्वल वक्त नमाज पढ़ते थे। नहीं, जाहिद मुत्तकी थे, जबान थोड़ी मोटी थी, तो वो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से रुक जाते थे, कहते थे वापस करो, जबान मोटी, कहते थे वापस करो, वापस करो। क्या वापस करें मौल साहब, क्या लिया आपसे? कहले जो मैंने तुमको बताया है मुझे अब सुनाओ। और ये वो तब कहते थे जब उन्हें लगता था कि ये बैठा है यहाँ लेकिन दिमाग इसका कहीं और है, तो मैं उसी उस्ताद का शागिर्द हूँ, वापस करो वाला, मुझे लगेगा आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं, आप कहीं आसमानों में उड़ रहे हैं, तो मैं फिर आपसे वापस मांगूंगा। लिहाजा वापस कीजिए कि अभी वक्त का कौन सा हिसाब पढ़ा मैंने, जो अच्छे कामों में लगा उसका हिसाब सामने आएगा, इतनी खुशी होगी कि जहन्नम वालों पर बांट दी जाए। तो जहन्नम वाले अपनी मुसीबत थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इसका उल्टा उसका वो वक्त जो गुनाहों में लगा, जो बुराइयों में लगा, जो दूसरों को सताने में लगा, जो गालियों में लगा, जो कीमतों में लगा, जो चोरियों में लगा। चोरी खाली माल की नहीं होती, चोरी निगाहों की भी होती है। चोरी से नामहरम को देखना यह भी चोरी है, आधे तीहर रुको और सज्दे करना यह भी चोरी है। कल मैंने पढ़ा था, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के चोर कौन? चोर का जो ठीक से रुको और सज्दा नहीं करते, फटाफट वाले। तो जो गुनाह में लगा का अगर ये मुसीबत, इसको देख कितना रंजीदा होगा कि अगर ये रंज जन्नतियों पे बांट दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए जन्नत के सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे और वो भी रंजीदा हो जाएंगे। तीसरा वक्त, चलो भाई चलो ये मुसीबत में वाला ये अच्छा वाला हो गया, तीसरा कौन का? तीसरा वक्त जो बेकारी में गुजारा होगा। जब बेकारी में जो वक्त गुजारा होगा, बहुत वक्त बेकारी में गुजारते हैं, गप लड़ा रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं, कोई मकसद की बात नहीं। हालांकि जब हम खड़े हों मिलजुल के, तो उसको भी एक फरमाइश की हमारे इमामों ने, इमामों की एक फरमाइश ये भी कि पूछा अत तजलिसून व तज़कुरून व तत्तहद्दसून, दो अलग अलग लफ्जों में रवाते हैं। इमाम ने पूछा अपने चाहने वालों से कि क्या तुम एक साथ मिल के बैठते हो, बैठक लगाते हो जैसे हम लोग बैठक लगाते हैं, मगर हमारी बैठकों में क्या होता है? थोड़े दिनों पहले तक सारी बहस हुआ करती थी फिल्मों पे, फिर फिल्मों से निकल के आई तो क्रिकेट पे होती थी, फिर सियासत पे होने लगी। मुझे आजकल नहीं पता कि आप जवानों में आजकल काहे पे दिन भर बात चलती, लेकिन दीन के अलावा सब कुछ होता है। इमाम कहते हैं मिलके बैठो भी और आपस में बात भी करो, और बात काहे की करो, हमारी बात करो। तो जब आपके पास वक्त खाली हो तो उस वक्त को जब आप तफरी के लिए भी एक दूसरे से बैठे बैठे मिलके, तो उसमें भी एक आध बात कोई ना कोई किसी इमाम की सीरत की हो जाए, इमाम की हदीस की हो जाए, दीन के किसी काम की हो जाए, तो इमाम की फरमाइश पूरी हो जाएगी। तो हम अक्सर काम अपना बेकारी में गुजार देते हैं, वक्त का यह वक्त जब देखेगा तो पछताएगा कि काश मैंने यह वक्त बेकारी में न लगाया होता। अब आई है बात, मेरा मकसद भी सिर्फ यही है और आप सबका, कि ईश्वर से अदा पे आके उस दीन को हम सीखें और अपनाएं और फैलाएं जिसके लिए हुसैन ने, जिसे सिखाने और जिसे फैलाने ही के लिए कुर्बानी दी थी। तो फिर हमें भी हर जगह कुछ सीखने को उनके तस्करों के जरिए मिलना चाहिए। तो मेरे अजीजों, बेकार वक्त गुजारने की जरूरत नहीं। आप कहें मौलाना हर वक्त कुरान पढ़ने का दिल नहीं चाहता, हर वक्त सलवार पढ़ने का दिल नहीं चाहता, जैसे आपकी मजलिस में नहीं दिल चाहता सलवार पढ़ने का, हर
आदमी पे कभी कभी ऐसी कैफियत तारी होती है कि उसे कुछ करने का दिल नहीं चाहता, आंखें बंद करके थका हुआ लेटा है। देखिए मजहब को अगर समझा जाए तो हम अपनी जिंदगी के हर वक्त की बेहतरीन कीमत ले सकते हैं। एक नमूना आपके सामने रख रहा हूं, मजहब को समझ के जिएंगे तो जो हमें लगेगा कि हम अपने लिए यूज कर रहे हैं वह वही वक्त अल्लाह की इबादत बन जाएगा। कभी कभी आदमी इतना थका होता है कि बच्चों से बीवी इसका भाई जरा थोड़ी देर कमरे में आंखें बंद की लेटे हैं, अब कोई डिस्टर्ब ना करे। बच्चे अगर बोले कि नहीं नहीं इनकी आवाज अच्छी नहीं लग रही, इन्हें चुप कराओ, ना आवाज सुनना अच्छा लग रहा है, ना आंखें खोल के देखना अच्छा लग रहा है, ना बोलना अच्छा लग रहा है, तो अब हम ना नमाज पढ़ेंगे, ना तिलावत करेंगे, ना तस्बीह पढ़ेंगे, ना सलावत पढ़ेंगे, ना जिक्र करेंगे, ना सूरह फातिहा, कुछ नहीं करेंगे। देखने का दिल नहीं चला, जबान हिलाने का दिल नहीं चला, चुपके पढ़े। तो जब चुपके पढ़ा कुछ करने का दिल नहीं चला तो इबादतें कैसे होती थी? इबादत होती आंखों से, कुरान देखा इबादत हो गई, आलिम को देखा इबादत हो गई, माँ बाप को एहतराम से देखा इबादत हो गई, भाई अपने बरादर मोमिन को मोहब्बत से देखा इबादत हो गई, अल्लाह की बनाई निशानियों को देखा इबादत हो गई, पहाड़ देखा अल्लाह की अजमत का एहसास किया इबादत हो गई, समंदर देखा अल्लाह की अजमत का एहसास हुआ, ये खालिक के अलावा कोई नहीं कर सकता इबादत हो गई। तो आंखें देखेंगी तभी तो इबादत होगी, जबान चली, तिलावत की, जिक्र किया, सलावत पढ़ी, मर्जिया पढ़ा, नौहा पढ़ा, माँ बाप के से बैठ के बातें की, बीवी बच्चों से बैठ के मोहब्बत की बातें की, ये सब इबादत बन गई। मगर जबान चलेगी तभी तो इबादत होगी। कानों से कुरान सुना, सलाम सुना, मर्जिया सुना, मुसीबत हुसैन सुनी, नहजुल बलागा सुनी, सहीफ़ कामिला सुनी, अच्छी बातें सुनी, मौइज़ा सुना, माँ बाप की बातें सुनी, माँ बाप की फरमाइश सुनी, बच्चों की मीठी मीठी आवाज सुनी, ये जो सुना ये इबादत बन गई। मगर सुनने के तब तो काश आप मुतवज्जे हो, यानी जितने हमारे हाथ पैर जबान आंख कान कोई जी नहीं चाहता कुछ करें, तो अब ये वक्त कैसे इबादत बने? तो सुनो अजीजो, जब हमारी जबान भी नहीं बोलती, आंखें भी बंद, कान भी सुनने पर राजी नहीं, हाथ पैर भी चलने पर तैयार नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मगर दिमाग तो तब भी चलता है ना, दिमाग तो सोते भी चलता है, ख्वाब आते, जागते में आप आंखें बंद किए पड़े हैं तो दिमाग दौड़ेगा कलकत्ते से बंबई और बंबई से पेरिस और पेरिस से करबला, एक सेकंड के अंदर वो राउंड मार के लाएगा कि जिससे यकीन हो जाए कि अगर हम भी इतना राउंड इसी दुनिया में लगा सकते हैं तो एक लम्हे में इतनी देर में कि बिस्तर की गर्मी भी खत्म हो, अगर पैगंबर मेराज पे जाके वापस आ गए तो कौन सी हैरत की बात है। जब हम इतने मादी होके ख्वाब ख्याल ही के सहजरिए सही इतनी जगह जाके वापस आ जाते हैं तो फिर वो तो नूर थे, वो अगर मेराज में जाके वापस आए और बिस्तर की गर्मी भी खत्म हुई थी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं हो जाती। मेरे ख्याल से ये जगह सलावत भेजने की थी। देखिए ना मुझे कुछ मिलने वाला है ना आपको कुछ मिलने वाला है, मगर ये हमारे बुजुर्गों ने तरीका निकाला था कि जब कुछ अच्छा लगे तो एक सलावत भेज के बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत अंजाम दे लो, या नारे हैदरी या अली कह के फिर जिक्र अली करके इबादत अंजाम दे लो। कम से कम ये चीजें तो या अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली और सलावत, ये तो बहरहाल हमारे इस मजमे में बरकतों के लिए जारी रहना चाहिए। एक सलावत मिलजुल के भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वक्त जब हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा, सब ताजा जवारे मुअत्तल पड़े, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, दिल नहीं चाह रहा, हिलाने का दिल नहीं चाह रहा, आंखें बंद किए पड़े, बीवी चाय लेके रहने दो अभी नहीं चाहिए, दिल नहीं चाह रहा, बाद में मांगी थी, आंखें बंद किए पड़े अभी रहने दो फिर पिला देना, चार चार बार बेचारी गर्म करके लाए। जैसे इस वक्त हमारे बेटे हमारे लिए चाय लेके आते हैं और देखते हैं मौलवी साहब सो रहे तो चुपके से वापस चले जाते हैं और फिर आते हैं तो हर बार कहते हैं गरम पिलाओ भाई। खैर पता नहीं आपने गरम गरम चाय ये पी नहीं पी जो आज बनी है, मैंने पी ली। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि तबर्रुक मजलिस के बाद ही खाया जाए, हमारे माशरे में ये भी राज हो गया है, मुझे इस इधर का पता नहीं। 40वें में खाना होता है तो खाना देंगे नहीं जब तक नजर ना हो जाए,
ऐसी कोई शरीयत पे पाबंदी नहीं। वो कंजूस नहीं है कि हमें पहले दो तोहफा तब खाना, वो तो सखी है, पहले तुम खाओ तब हमारी खिदमत पेश करो। हमने बिल्कुल लट दिया मिजाजों को, अभी नजर नहीं हुई, अभी खाना नहीं हो सकता। आप ले जाइएगा, उन्हें तो खाना नहीं, उनके नाम पे आप किसी खिलाने वाले हैं, उनकी खिदमत में सूरों का हदिया पेश करना और खाना खिलाने का सवाब पेश करना है, तो कम से कम वो अगर मौजूद हो तो कहेंगे पहले तुम खाओ तब हम लेंगे ये तोहफा, तुमको भूखा देखना हमें बर्दाश्त नहीं। ये सब हमने अपनी तरफ से बना लिया, इसी तरह बना लिया। जनाब जहरा की नजर है, मर्द नहीं खाएंगे। अरे क्यों भाई, जनाब जहरा की हाथ की पकाई रोटियां 3 दिन तक कौन ले गया आके? मिस्कीन, कैदी, फकीर। तो ये जो कैदी है, और तो छोड़िए मिस्कीन को मुसलमान भी हो सकता, मगर ये जो कैदी है क्या ये मुसलमान है? कैदी जो है ये कोई मुसलमान है? मुसलमान तो कैदी नहीं होगा, ये गैर मुस्लिम है। तो जब गैर मुस्लिम जहरा के हाथ की सीधी रोटी खा सकता है, तो उनके गुलाम उनके नाम पे रोटी पकाई जाए तो क्यों नहीं खा सकते? मगर ये औरतों की शरीयतें हैं, अल्लाह करे आपके तरफ ना आई हो, आए तो वहीं रोक दीजिएगा। उनके हाथ की पकाई रोटी हमेशा बटती रही है, हमेशा जो आया दरवाजे से खाली हाथ नहीं वापस लिया, ना महरमों ने खाई। हम तो हमें रोक दिया जाता सादात को, हम तो उनकी औलाद हैं, तशरीफ लाए तो हमारी दादी है, हम इस लायक नहीं है कि अपने हम उनको पोता अपने को कहें उनको दादी कहें, मगर वो है हमारी दादी, महरम है उनके। मगर औरतें खड़ी हैं, नहीं आप जहरा बीबी की कहानी है, उनकी नजर है इसको, मर्द हाथ नहीं लगा सकते। और फिर ताबूत, ताबूत तो उठा नहीं रहे, ताबूत की छवि उठा रहे हैं, उनका ताबूत तो है नहीं, ना असली जनाजा है ना असली ताबूत है, उनका ताबूत किसने उठाया था? महरम वहां कौन था? मौला अली थे और हसनैन थे, छोटे थे, कम सिन थे, 6 साल 7 साल। तो फिर ताबूत किसने उठाया? रिवायतों में जाके पढ़ लीजिए, जनाबे सलमान है कि नहीं उसमें, अबू ज़र है कि नहीं? तो जो असली जनाजा है, जब वो ना महरम उसको कांधा दे रहे हैं, तो फिर ये क्या है कि शबी है ताबूत, इसको मर्द कांधा नहीं देंगे? अल्लाह ने शरीयत को आसान बनाया था, हम उसे सख्त बना रहे हैं, शैतानी काम है, ताकि इस बहाने से कार खैर से महरूम कर दिया जाए। ताबूत को कांधा देने से जो शबी है ताबूत को कांधा देंगे, दिल बेचैन होगा, रोएंगे, याद करेंगे, गिरजा करेंगे, उससे महरूम करने की ये शैतानी साजिशें हैं, जिसे हमने रुसूम अज़ा का नाम दे दिया। मेरे अजीजों, बात में बात आई तो मैंने अहम बातें कह दी, हमें कोई पाबंदी शरीयत की पाबंदियों के अलावा अलग से लगाने का कोई हक नहीं है। कौन मजलिस साहिब में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब फर्शादा पे आके गैर मुस्लिम बैठ सकता है, तो फिर मुस्लिम किसी भी हालत में हो क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे मालूम इसके बाद हंगामे खड़े होंगे, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह से हंगामा करने वालों के डर से चुपके बैठे रहें, और जो रस्म रवाज के गढ़ने वाले लोग हैं वो इसी तरह से रस्म रवाज गढ़कर के लोगों को नेकियों से महरूम करते रहें और इजादात करते रहें, तो कल पैगंबर की लानत के मुस्तहिक हम नहीं होना चाहते। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कि जब लोग नई नई इजादात करें, हुक्म मजहब ना हो और उसे हुक्म मजहब बना के पेश करें, तो अगर जिसके पास सही इल्म है वो चुप रहे, तो चुप रहने वाले पर लानत। तो मैं पैगंबर की लानत नहीं लूंगा, मैं हक बयान करता रहूंगा इंशाअल्लाह। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं कह के आ रहा था कि जब बेकारी का वक्त हम गुजारते हैं, जब कुछ करने का दिल नहीं चाहता, अगर दीन की समझ हमारे अंदर हो, दीन का शऊर हमारे अंदर हो, दीन की फहम हमारे अंदर हो, तफक्कुह हमारे अंदर, जानबूझ के इन अल्फाज को बोल रहा हूं ताकि मेरे जवान जो बंगला जबान बोलते हैं वो बाद में लफ्जों का मतलब अपने मौलाना से पूछे और समझे, ताकि उन्हें पता चले कि उन पर वाजिब है। हमारे छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हाथों में ताजियाने हों, कोड़े हों, दुर्रे हों, और मुझे जवान मिले जो दीन का तफक्कुह नहीं रखते, दीन की समझ नहीं रखते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें से रस्म रवाज क्या है, इसमें से दीन क्या है, इसमें से मुस्तहब क्या है, इसमें से वाजिब क्या है, इतनी समझ दीन की नहीं रखते, तो मुझे इतने नागवार हैं कि उन्हें कोड़ों से मारूं कि दीन की समझ पैदा करो, तफक्कुह पैदा करो।
तो अगर हम दीन की समझ पैदा करें तो हमारी पूरी जिंदगी दीन बन जाए, पूरी जिंदगी इबादत बन जाए। मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, मगर मेरा दिमाग चल रहा है कि नहीं, मेरी फिक्र चल रही कि नहीं। बस दीन कहता है कि जब कुछ करने का दिल ना चाहे तो उस वक्त आंखें बंद करके लेटे हो तो अपने दिमाग को लगा लो कि गांव में बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम नहीं है, कैसे किया जाए। बस्ती में छोटी तालीम की स्कूल तो हैं, कॉलेज पूरे इलाके में नहीं, हमारे जवान बगैर तालीम के रह जाते हैं, इनके लिए क्या किया जाए। फड़ा पड़ोसी बेरोजगार है, उसे रोजगार कैसे दिलवाया जाए। बंदों के मुश्किलात के हल में लग गए या फिर दिमाग लगाया कि अल्लाह है और कैसे यकीन हो, का स्टेंसेंस गवाही दे रहा अल्लाह है। डॉक्यूमेंट्री देखी पहाड़ों पर, जो जानवर कीड़े छोटे छोटे पत्थरों के अंदर उनको रोजी कैसे पहुंच रही, इसका मतलब अल्लाह है, दिमाग इधर लगा दिया। यानी एक थोड़ी देर दीन और दीन से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना। अब सुनिए, जब कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, दिमाग तो सोच ही रहा है, जैसे इस वक्त कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा तो आंखें तो ऊँग ही रही हैं। हाँ, ऊँगती हुई आंखों को बेदारी से बदलने का तरीका क्या है? चुप बैठे रहना। बीच में एक जिंदगी और है, ना दुनिया वाली बिल्कुल ना आखिरत वाली बिल्कुल, वो कौन सी है? बरज़ख की जिंदगी। तो बरज़ख का तजुर्बा हमारे कुछ लोग ही मजलिस में कर लेते हैं, ना पूरी तरह सो रहे हैं ना पूरी तरह जाग रहे हैं, जरा ऊँग रहे हैं, आंखें बंद कान खोले अकल गायब। तो आंखें तो बंद रहे लेकिन कान खुले होने से कोई फायदा नहीं है जब तक अकल हाजिर ना हो, और अकल को हाजिर करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि उनके नाम की बरकत हासिल की जाए जिन्होंने हमको बेअकली से बचा के दीन इस्लाम तक पहुंचाया, जो अकल का दीन है। एक पुरजोर सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी अब सुन ले, मेरे काफी वक्त है आपका। मेरे अजीजों, जब आदमी बेकार पड़ा है, दिमाग चल रहा है, उस वक्त अगर दिमाग दीन पे लगा दे, दिमाग मैंने कुरान अब तक ठीक से नहीं पढ़ा, कुरान कहां पढ़ लूं मैं, मेरी नमाज पता नहीं, पढ़ता हूं सही है कि नहीं, चले किसी से चेक करवा ले, सारी जिंदगी जियारत पढ़ते गलत पढ़ते, चले ठीक, कुछ भी सोचने लगा, बच्चे बिगड़ रहे हैं इनको कैसे संभाला जाए, हमारे पड़ोस में मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है इसे कैसे निपटाया जाए, कहीं भी किसी अच्छे काम में दिमाग लगा दिया तो सुनिए ये कौन सी इबादत है। हमारी उम्र एवरेज उम्र 70 साल है, 70 साल में कितना वक्त सोने में गुजरता है, कितना वक्त खाने में गुजरता है, कितना वक्त नौकरी करने में गुजरता है, कितना वक्त इंतजार करने में गुजरता है, कितना वक्त फजूल बातें करने में गुजरता है, कितना वक्त न जाने किस किस काम में गुजरता है। मेरी तरफ तवज्जो रखें, ये सारा वक्त जो हम इधर उधर गुजारते रहते हैं, जिसे निकाल दें तो हमारी जिंदगी का 10% हिस्सा भी शायद इबादत में नहीं निकला दिखाई देगा। आधा सोने में, खाने में, तफरी में, आधे में बचा तो नौकरी में, ताल्लुकात में, मुलाजमत में, सियासत में, दुश्मन में, लड़ाई में, झगड़े में, बीमारी में, इलाज में, तालीम में, पढ़ाई में, कहां कहां लग रहा, शायद 5 या 10% भी इबादत में नहीं लगता। तो कितना लगा इबादत में, जिसमें हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, अच्छे काम किए। मगर सुनिए, कहा आंखें बंद करके जब दीन के बारे में सोचो, दीन के फरीजों को सोचो, कि मुसलमान की मुसीबतों को हल करने के रास्ते सोचो, तो तुम्हारे 1 घंटे की सोच 70 साल के इबादतों से आगे चली जाएगी। से बात निकलती रही तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि वक्त बहुत कीमती नेमत है अल्लाह की, जिसकी हमें कदर करना चाहिए। अब वापस आइए, मैंने अर्ज किया हुसैन को अल्लाह ने अजमतों से नवाजा, और जो अजमतें मिली तो हुसैन ने उन अजमतों के पाने के बाद क्या कर दिखाया, अल्लाह ने उसके बदले में क्या दिया। तो उसमें छठे इमाम की एक हदीस मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा था, हम आप अल्लाह से लिमिटेड वक्त लेके आए, इस वक्त को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ गुनाह भी करते हैं, कुछ बेकार भी गुजारते हैं, कुछ दुनियादारी भी लगाते हैं। मैं आपसे एक बात बता दूं, गुफ्तगू का एक मौजू मैं रखता हूं,
कि अल्लाह ने जब हमें इबादत के लिए बनाया है तो हमारा हर वक्त ऐसा होना चाहिए जो इबादत में लग सके। इबादत का मतलब नमाज नहीं है खाली, रोज़ा और कुरान नहीं है। इबादत का मतलब यह है कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से जो मेरी ड्यूटी है अगर मैं वो कर रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने कहा सुबह 10 से 5 की नौकरी कर रहा हूँ इसलिए कि रोज़ी कमाना हो उसके बाजी भी बच्चों के लिए, तो ये भी इबादत है। रात में बिस्तर पर वजू करके सो गया हो तो ये भी इबादत है। कितना उसने गुंजाइशें बढ़ाई, जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन सकता अगर अल्लाह को याद रखने की आदत डाले। एक जुमला खाली सुन ले, तफसील तो नहीं करूंगा। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू जर से पूरी जिंदगी को एक लम्हे को हम इबादत बना सकते हैं। पैगंबर गिरामी ने जनाब अबू जर से कहा, खाने के दस्तरखान में बैठे थे, अच्छा हम आप खाना क्यों खाते हैं? भूख मिटाने के लिए, तो सबसे जायज बहुत तरीका। कभी कभी भूख नहीं लगी होती मगर मजेदार खाने के चक्कर में खाते हैं। कभी किसी मेहमान जान को आ गया कि नहीं खाना पड़ेगा तो खा लेते हैं। मेहमान भी कभी कभी मेजबान बहुत बड़े बहुत ही अजीब गरीब होते हैं। हमारे दो बुजुर्ग थे, दोनों खालू होते थे, एक बड़े नस्तालीक थे, एक जरा कुछ उर्दू में शायद उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ मिंबर के लिए ना हो, बहरहाल थोड़ा से वैसे थे जो बहुत सोबर नहीं होते, तो जो वैसे थे थोड़ा बहुत सोबर नहीं थे, उनके घर पे इनकी दावत थी दूसरे वाले के जो बड़े थे। अब वो खाना खा रहे थे, इनकी जान को आ गया ये खाओ, और आखिर में कहा कि हम जो दे खिला रहे तुम्हें अगर ये ना खाओ तो हमारा मुर्दा देखो। हमारी तरफ कहते हैं कि मतलब हमारी फरमाइश ना पूरी करो तो हमारा मुर्दा देखो, यानी हमारी मौत हो जाए। तब डर के आदमी कहे अच्छा नहीं भाई तुम्हें मुर्दा नहीं देखेंगे, खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ना खाए तो हमारे गांव की जबान में ना खाए तो हमारा मुर्दा देखो। तो जरा नाक से बोलते थे बड़े खालू मेरे, कहने लगे तुम्हारा मुर्दा देख सकते हैं अपना मुर्दा नहीं देख सकते हैं। तो यह मेहमान नवाजी भी उतनी होना चाहिए जितनी तकल्लुफ से खाली हो। दस्तरखान पे खाना भूख से भी खाते हैं, मजे के लिए भी खाते हैं, कभी कभी दिल रखने के लिए खाते हैं, कभी हिर्स में खा लेते हैं। और कोई वजह दबाव में है हो तो बता दीजिए। अब सुनिए हुजूर ने क्या कहा। हुजूर ने कहा अबू जर जब दस्तरखान पर खाना खाने बैठो, चाहे बत्त खाओ चाहे रोटी, मछली तो जरूर होगी, तो सुनो खाना खाने बैठो तो दिमाग में ये सोच हो कि मालिक इस खाने से जो बदन में ताकत आएगी इस ताकत को तेरी इताअत में खर्च करूंगा, इस ताकत से नमाज पढ़ूंगा सुबह की, फिर इसी ताकत से 8 बजे रोजी कमाने चला जाऊंगा खेत में, मछली के तालाब में, दुकान पे, वो भी इबादत। तो कहा कि अगर तुम ये इरादा करके खाना खाओ तो ये तुम्हारा जाती खाना खाना भी अल्लाह की इबादत बन जाएगा। यानी अपनी पूरी जिंदगी को इबादत बनाने का तरीका यह है कि हर वक्त खुदा को याद रखा जाए। सोने लेटे तो सोच दिया परवरदिगार तू नहीं जिस्म की जरूरत नींद रखी है, ये नींद लूंगा तो फिर बदन में दोबारा तेरी इताअत और इबादत की ताकत आएगी, लिहाजा मैं सोने जा रहा हूं ताकि दोबारा सेहत मिले ताकत मिले तो मैं तेरी इताअत कर सकूं। तो अल्लाह इस नींद को भी इबादत बना देगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस वहां जल्दी से आ जाए। खसाइस हुसैनी जो मर्ज कर रहा था, खसाइस हुसैनी में पहली बात उस कर रहा था, हम जब भी कोई काम करें चाहे कितना ही अच्छा करें उसमें हमारा पास जाता है कि नहीं जाता। अभी आप मजलिस सुन रहे हैं माशाल्लाह से, 8 बजे से आप बैठे हैं, तिलावत सुनी, सलाम सुना, पुरजोश तकरीरें सुनी, आपका वक्त लगा कि नहीं लगा? यह वक्त उसी में से कम हुआ ना जो मिला है आपकी हमारी सबकी जिंदगी में, उसी में से कम हुआ ना? तो हम कोई नेकी करें तब भी उसी में से जाता है वक्त जो हमारे पास वक्त है, और कोई गुनाह करे तब भी उसी में से जाता है। ऐसा तो है नहीं कि नेकी में लगाया हुआ वक्त हमारी उम्र से नहीं काटा जाएगा। अगर 10 मिनट नमाज में लगाएंगे तो 10 मिनट हमारी जिंदगी के कटे, लिखा जाएगा नमाज में लगाया, लेकिन कम होंगे। सुनिए हुसैन की फजीलतों को सुनिए। छठे इमाम ने फरमाया मगर हुसैन को अल्लाह ने फजीलत दी है कि जब कोई हुसैन की जियारत के लिए निकलता है तो जितना वक्त जियारत हुसैन पे लगाता है उतना वक्त अल्लाह उसकी जिंदगी से नहीं लेता है, उतना वक्त उसे अलग से अता कर देता है। हुसैन को एक फजीलत यह मिली है और किसी के लिए नहीं बयान किया गया।
किसी मासूम के लिए वो उनकी ज़ियारत में जाओगे तो तुम्हारा उसी ज़िंदगी से वक्त निकलेगा, अजर बेहिसाब मिलेगा, मगर ज़िंदगी से कम होगा। मगर ज़ियारत हुसैन के लिए जो जाता है उसका वक्त उसकी ज़िंदगी से कम नहीं होता। ये उसके लिए जो कब्र पे जाए, हम अपने मालिक से कहेंगे तू करीम और रहीम है, हमारे पास पैसे नहीं कि हम कब्र पे जा सकें, तो क्या हम महरूम हो जाएं? तो शायद इसी दरवाजे को उसने खोल दिया, फरमाया कि नहीं जा सकते कब्र पे, तो जहाँ हो जैसे ही हुसैन की याद आए एक बार कब्र हुसैन करबला की तरफ रुख करके कहो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तुम्हें भी वही अजर अता कर देगा जो अजर उसने कब्र पे जाके ज़ियारत करने वाले को अता किया। जब तक मुमकिन है जितना मुमकिन उनकी कब्र पे पहुँचा जाए, जब तक मुमकिन नहीं है उनको जब तक याद किया जाए और उम्मीद रखी जाए कि हमारा रब भी वही कीमत अता करेगा। तो ये एक हुसैन की ज़ात की खसूसियत। दूसरी खसूसियत सुनिए, हमारे 12 इमामों में पहले इमाम 11 इमामों के वालिद और दादा, अब बचे 11 इमाम। 11 इमामों में 2 इमाम सगे भाई, बचे 9 इमाम। पहले इमाम मौला अली, दूसरे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम सैयद शहदा हसन अलैहिस्सलाम, 3 इमाम हो गए। चौथे इमाम से लेकर और आखिरी इमाम तक किसकी नस्ल से हैं? सब के सब इमाम हुसैन की नस्ल से हैं, कोई भी इमाम हसन की नस्ल से नहीं है। इमाम सादिक ने फरमाया कि हुसैन ने अपनी औलाद राह खुदा में सब कुर्बान कर दी, एक बेटा खाली बचा, तो परवरदिगार आलम ने उसकी एक जज़ा यह दी है कि इमामत को नस्ल हुसैन में रखा। ये दूसरा शरफ है जो बहुत बड़ा शरफ है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरा शरफ सुनिए, इस्लाम ने हमारी हिफाजत के लिए, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ काम वाजिब किए हैं, कुछ मुस्तहब किए हैं, और हमारे नुकसान से बचाने के लिए कुछ चीज़ों को हराम किया है, कुछ चीज़ों को मकरूह किया है। इस्लाम जो भी हराम करता है उसमें कोई ना कोई बड़ा नुकसान है। खाने पीने में कौन कौन चीज़ें हराम हैं? हर रजिस का खाना हराम है, चाहे वो कितने ही साफ सुथरा बर्गर क्यों ना हो, चाहे मैकडॉनल्ड का हो, चाहे बर्गर किंग का हो जिसकी दाढ़ी में वो लटकी है ईसाइयत, हराम है। नजिस से जबीहा नहीं है तो नजिस से और हराम है। खाना हराम, नजिस का खाना हराम, मगर क्या हर नजिसी खाना हराम और हर पाक का खाना जायज है? नहीं, बिल्ली पाक है खाना हराम है। और छोड़िए मिट्टी के बारे में क्या ख्याल है, मिट्टी खाना हराम है कि हलाल? मिट्टी खाना हराम है। अच्छा, यहां की मिट्टी नहीं, मैं अपनी बहनों से खास करके कह रहा हूं, बड़ी जज्बातियत में आके जन्नतुल बकी गई मिट्टी उठा लाए, जहां से मिट्टी मदीने की मिट्टी ले आए, करबला की, नजफ की ले आए, वहां नहीं आए, इस रोजे पे गए, उस रोजे पे गए, जो शबीहें बनी हैं, ये शबीह है करबला है, यहां से मिट्टी तबर्रुक के तौर पर उठा ले गए। मोहब्बत में तबर्रुक के तौर पर कि घर तक बरकत पहुंचाना ले जाइए, मगर इसको खा नहीं सकते ना। अच्छा, ये नहीं खा सकते तो क्या रसूलुल्लाह की कब्र की मिट्टी खा सकते हैं? नहीं। जन्नतुल बकी की मिट्टी खा सकते हैं? नहीं। किसी भी जगह की मिट्टी नहीं खा सकते, चाहे कितनी मुतबर्रिक जगह क्यों ना हो, सबका खाना हराम। पाकीजा तरीन मिट्टी है मगर खाना हराम। मगर इमाम सादिक कहते हैं कि हुसैन ने वो अजीम कर कुर्बानी दी कि जिस करबला की खाक पर हुसैन का खून जज्ब हुआ उस मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रख दी। हुसैन की तुर्बत की खाक, तुर्बत यानी कब्र और कब्र के इर्द गिर्द की थोड़ी सी जमीन, बस वो करबला की खाक पूरी नहीं, वो खाक शिफा है। उसमें अल्लाह ने कहाँ शिफा रखी? एक शिफा कुरान में रखी है और एक शिफा तुर्बत हुसैन में रखी है। ये शरफ सिर्फ हुसैन को मिला। चौथा शरफ सुन ले, कितनी बातें सुना दी मैंने। मैंने बताया कि हुसैन की नस्ल में इमामत रखी अल्लाह ने। मैंने अर्ज किया कि ज़ियारत हुसैन में जो वक्त लगे वो हमारी ज़िंदगी से कम नहीं होता। मैंने अर्ज किया कि सारी मिट्टियाँ हराम हैं और किसी में शिफा नहीं है, सिर्फ तुर्बत हुसैन में, कब्र हुसैन की मिट्टी में शिफा है। चौथा सुनिए,
ये बताइए हम आप दुआ करते हैं तो अल्लाह कहता हूँ उदोनी अस्तजिब लकुम, हमार दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को सुनेंगे और कबूल करेंगे। दुआ में आदमी जब दिल से दुआ करे और दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचने में जो गुनाह रुकावट बनते हैं उन गुनाहों से खुद को बचा के करें। दुआ हम आप करते हैं, अक्सर हमको जवाब नहीं मिलता, हम सोचते हैं अल्लाह ने वादा किया पूरा नहीं किया। कभी हमें यह सोचना चाहिए कि उसने वादा नहीं पूरा किया या हमने दुआ उस तक पहुंचने का रास्ता बंद कर रखा। दुआए कुमैल पढ़ते हैं आप, दुआए कुमैल में गुनाहों की माफ़ी के जुमले हैं, उनमें एक जुमला ये भी तो है अल्लाहुम्मा फिर लियत दुनोबल्लती तहबिसुद दुआ, हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो हमारी दुआओं को कैदी बना के रख लेते हैं। इसका अल्लाह हमारे गुनाहों में वो गुनाह भी हैं जो कैदी बना के रख लेते हैं, और उनमें से एक गुनाह है नजिस और हराम का पेट में पहुंचाना। इसके बाद दुआ अल्लाह की बारगाह में जाती ही नहीं। दुआ के लिए अल्लाह का वादा है कि हम पूरी करेंगे, चाहे जहां करे आदमी, चाहे जिस वक्त करे, लेकिन उसने कुछ खसूसियतें दी हैं। खास मौके पर दुआ कबूल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, जब बारिश हो रही हो, जब बहुत से लोग एक साथ बैठे हों, जब अजान कही जाए, जब इकामत कही जाए, मुख्तलिफ वक्त हैं, शब जुमा में मुख्तलिफ ठिकाने हैं, जब दिल नरम हो, गिरिया किया हो, दुआ कबूल होने का जरिया बन जाते हैं। कुछ ख़ास जगहें हैं जहाँ दुआ कबूल होने के लिए, मज़ारात मुक़द्दसा, तबात आलियात, खाने काबा जैसी जगहें, वहाँ दुआ कबूल होने की खसूसियत है। अब सुनिए, मगर हम इन सब जगहों पर जाते हैं तो हम बहुत सी दुआएं करते हैं और हमारी दुआ पूरी नहीं होती। अब सुनिए खसूसियत, फरमाया कि छठे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने इमाम हुसैन को चौथी खसूसियत ये दी है कि उनकी कब्र पर बना हुआ जो गुम्बद है, जो कुब्बा है, उस कुब्बे के नीचे की जाने वाली हर दुआ ज़रूर कबूल होती है। अच्छा, दुआ कबूल न होने के असबाब में एक वजह यह भी होती है, रिवायात पढ़े आप, कि हम जो मांगते हैं अल्लाह जानता है इसके हक में अच्छा नहीं है। हम बेटा मांग रहे हैं और उसे पता है अगर बेटा देंगे उसकी मोहब्बत में बर्बाद हो जाएगा। हम दौलत मांग रहे हैं, गरीब हैं, उसे पता है कि अगर हम इसे दौलत दे देंगे तो ये जितनी इसकी मस्जिद, इमामबाड़ा और मजलिस है, ये दीन सब छूटेगा, याशी में लग जाएगा। हम बीमार होते हैं, सेहत मांगते हैं, हमें सेहत नहीं देता, उससे पता है कि इसमें सेहत की बर्दाश्त नहीं है, ताकतवर होगा तो कमजोरों पर जुल्म करेगा, जहन्नमी बन जाएगा। तो बहुत सी जगहों पर अल्लाह हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं करता कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हक में नहीं होता। तो फिर परवरदिगार कुब्बे हुसैनी के नीचे दुआ कबूल होने की गारंटी का क्या मतलब है? मेरे दिमाग में उलझन थी, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, मगर मैंने अभी साल दो साल पहले ही किसी बड़े आलिम के किताब में पढ़ी, वजह तो समझ में आ गई कि मैंने दुआ की, मदीने मुनव्वरा में की, नजफ में की, कहीं भी की, मगर जो मांगा वो मेरे हक में नहीं है, तो अल्लाह वो नहीं देगा, कुछ और देगा जो मुझे पता नहीं चलता, या किसी बुराई से बचाएगा, मुसीबत से, जो हमें मुझे पता नहीं चलता, या मेरी वो दुआ जो यहां न सुनेगा आखिरत में इतना सवाब देगा कि मैं कहूंगा कि परवरदिगार दुनिया में मेरी कोई दुआ सुनी ही ना होती, सब ऐसी रह गई होती, आखिरत में इतना सवाब देगा। मगर मालिक उन कुब्बों के नीचे कबूल नहीं, और यहां गारंटी है कि जरूर कबूल होगी। तो आलिम दीन ने लिखा, सुनिए, कि अल्लाह ने हुसैन की कुर्बानी के बदले में जजा यह दी है कि मैंने बेटा मांग रहा हूं, बेटा नहीं मिल रहा इसलिए कि मेरे हक में अच्छा नहीं है, बेटा आएगा तो उसकी मोहब्बत में मैं कि इसको जायदाद दिलवा दूं, वक्त पर कब्जा करूंगा, भाई बहनों का हिस्सा मारूंगा बेटे को पैसा दिलाने के लिए, जायज नाजायज के बगैर हराम में चला जाऊंगा बेटे की मोहब्बत में, तो बेटा नहीं देता था कि मेरा दीन बच जाए, मगर कुब्बे हुसैनी के नीचे जाके दुआ जरूर कबूल होगी। क्यों? कहा अल्लाह ने जो फैसला लिखा है वो इसके ताने में इसका बिगड़ जाने वाला था, अपने उस फैसले को बदल देता। अल्लाह करे कि मैंने भी शायद जो बात कही आप तक नहीं पहुंची, मैंने बहुत काबिलियत और इल्मी बात कही है कि मैं बेटा मांग रहा हूं मेरी तकदीर में नहीं, इसलिए कि मैं बर्बाद कर देगा बेटा, मगर जब कुब्बे हुसैनी के
کے نیچے آ کے دعا ہوتی ہے تو اللہ حسین کی شفاعت کی وجہ سے میری تقدیر کو بدل دیتا ہے کہ بیٹا جسے نقصان پہنچانے والا تھا اب بیٹا ملے گا مگر اس کا ایمان چھینے گا نہیں, اسے صاحب ایمان بنا دے گا. تقدیر بدل کے میری دعا پوری کر دیتا ہے. یہ روضہ حسینی کی دین ہے. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے جس گفتگو کو چھیڑا تھا کہ حسین کو جب اللہ سے خصوصیت سے کچھ ملا تو حسین نے بھی خصوصی خدمتیں انجام دی, اور حسین نے اپنے خدمتوں کو انجام دیتے وقت خود بھی بتایا کہ ہم یہ قربانیاں دینے کیوں نکلے ہیں, اور ان کی اولاد نے بتایا کیوں. زیارت اربعین میں جعفر صادق نے بتایا کہ اپنی جان دے دی, اپنی جان دے دی, اپنے دل کے اندر کا خون تک دے دیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال دے اور تیرے بندوں کو گمراہی کی حیرت سے باہر لے آئیں. آزاداری کا اہتمام اللہ نے اسی لیے کیا کہ جو کام کل قربانی حسین نے کیا تھا وہ آج اس آزاداری کو یاد حسین کے ذریعے کرنا ہے. آزاداری ہو تو آزاداری آئے تو ہماری جہالت گھٹنا چاہیے, آزاداری آئے تو ہماری ہدایت کی راہ میں روشنی بڑھنا چاہیے, ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر شجاعت بڑھنا چاہیے, ہمارے اندر صلاحیت دین پر عمل کی بڑھنا چاہیے. ہم حسین کو یاد کریں کہ ان کا سر سجدے میں کٹا تو ہمارے سر سجدے میں جھکنا چاہیے. ہم مصائب میں پڑھیں کہ علی اکبر نے صبح عاشور 4-3 دن کی پیاس میں اذان دی تو ہمارے جوانوں کی نماز صبح قضا نہ ہونا چاہیے. ہم گریا کریں کہ سکینہ کے سر سے چادر چھینی, زینب کے سر سے چادر چھینی, تو پھر آزاداری کے طفیل میں ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور پھوپھیوں اور ماؤں کے سروں پر چادریں آ جانا چاہیے. اگر ہم نے پڑھا کہ یہ پیاسے تھے مگر انہوں نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, تو ہمیں زمانے کی سختیاں برداشت کرنا چاہیے مگر ظالم کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے, گناہ کے آگے پست نہ ہونا چاہیے, خواہشات نفس کے آگے جو ابن سعد اپنی خواہشات نفس حکومت پہ قبضے کے چکر میں جہنمی بنا, تو ہمیں غر بننا چاہیے کہ ہم زندگی بھی ٹچ دیں گے مگر تیرے دین کو نہ چھوڑیں گے, اپنی آخرت کو برباد نہ کریں گے. یہ اثر آزاداری سے پیدا ہونا چاہیے اور اسی کے لیے یہ ساری قربانیاں دی گئیں, ورنہ ان کے لیے کون سا مشکل تھا. یہ اسی اسماعیل کی نسل سے ہے کہ جو ایڑیاں رگڑ دے تو بنجر زمین سے پانی نکل آئے, اور ان کے بچوں کے خیموں سے 4 دن سے التش التش کی صدایں آ رہی ہیں, ان کی پیاس انہیں بے چین کیے ہے, مگر یہ اعجاز کے ذریعے پانی نہیں حاصل کرتے تاکہ قربانی دے کے دین کو بچا لیا جائے. ایام عزا آگے بڑھ رہا ہے, سفر کا مہینہ شروع ہو گیا, یعنی حسین کا قافلہ شام پہنچ گیا. جب شام کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی یاد آتی ہے, شام میں سب قیدی تھے, مصیبتوں میں تھے, ظلم میں تھے, کبھی پیٹ بھر کھانا نہ ملا, کبھی پیٹ بھر پانی نہ ملا, مگر یہ سارے قیدی شام کے زندہ سے نکل کے کربلا بھی گئے اور مدینے بھی گئے, مگر جب شام کی بات آتی ہے یار تو حسین کی وہ بیٹی یاد آ جاتی ہے کہ جسے حسین کے سینے پہ سونے کی سزا ملتی رہی تھی, اور جو جتنے دن رہی شام کے زندان میں ہر روز پرندوں کو آسمان میں اڑتے دیکھ کے شام کو اما سے پوچھتی تھی, اما کہاں جا رہے ہیں یہ پرندے, اور جواب ملتا تھا آشیانوں میں تو کہتی تھی اما کبھی ہمیں بھی مدینے جانا ملے گا, مگر وہ مدینے کے لیے تڑپتے رہی اور نہ جا سکی. اس نے قربانیاں پیش کی, کیسی عظیم قربانیاں, پیاسی, وہ پیاس جو بجھی نہ سکی, وہ پانی ملا ہمیں نہیں کہتا مگر کبھی جی بھر کے نہیں ملا, تاریخ قدم قدم پہ اس کی گواہی دیتی ہے. چاہے شام میں وہ منظر ہو کہ جب پھوپھی کو بیٹھا نماز پڑھ کے دیکھا تو بیٹے نے بھتیجے پوچھا پھوپھی اما بیٹھ کے نماز کیوں, انہیں تو پتا ہے کہ بیٹا تمہیں پتا ہے نہ پانی کھانا کم آتا ہے کہ تیری پھوپھی کو اکثر نہیں ملتا, تو اندازہ لگائیے کہ اتنے کم پانی اور کھانے کے ساتھ یہ زندگی بسر ہو رہی ہے. اور سکینہ اسی عالم میں دنیا سے چلی گئی,
सकीना को अजियतें पहुंचाई गई कि वो हुसैन के सीने पे सोती रही, सोने वाली थी, खास करके तस्नीम फातिमा सकीना की प्यास की बातें इन मुसीबतों में सबसे आगे दिखाई देती है। रिवायत कहती है कि 12 मुहर्रम को जब कूफे काफिला पहुंचा तो बहुत भीड़ थी तमाशाइयों की, ऊँटों पर करबला से कूफे तक नंगी पीठों पर बिठा के लाए गए थे। सकीना को तो ऊँट की पीठ पे सीने के बल लेटा के रस्सियों से जकड़ा गया था, सीना जख्मी हो गया था। चलते चलते ये काफिला भी कूफे भी नहीं पहुंचा था, राह कूफा है या राह कूफे से शाम के दरमियान का वाकया है। ये सीने पे सोने वाली सकीना थी, इसके लिए रवायत कहती है कि काफिला चलते चलते एक मरतबा हुसैन का सर जिस नौ के नैदा पे था वो जालिम के हाथों से छूट के जमीन पे बेवस्त हो गया। उसने हिलाने की कोशिश की, नैदा अपनी जगह से ना हिला। शेबु ने सुना काफिला क्यों रुका है, कहा हुसैन का सर जिस नैजे पर है वो जमीन में गड़ गया है और अब हिलाए नहीं हिलता। शेबु उठा, तरदियाना हाथ में लिया, मैं समझा कि आगे सवे हुसैन से बेअदबी करेगा, मगर जालिम तादियाना लेके हमारे कैदी इमाम की तरफ बढ़ा, हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े इमाम तक पहुंचा और कहा अली इब्न हुसैन अपने बाबा से कहो है कि जल्दी सफर शुरू करें वरना ये तादियाना और तुम्हारी पुश्त है। सैयद सज्जाद केड़ियां बेड़ियां संभाल के बाबा के कटे सर के सामने आके खड़े हो गए, बाबा अब और तादियाने नहीं खाए जाते, बाबा अब और कोड़ों की बर्दाश्त नहीं, बाबा अरे तुम क्यों नहीं चलते, तो रख गया तुम्हारा सर का बेटा, मेरी सकीना ऊंट की पीठ से गिर गई है, जब तक ना आएगी मैं ना चलूंगा, काफिला जाना है इसलिए इजाजत मिल गई। ज़ैनब उम्मे कुलसूम रास्ते पे ढूंढती हुई चली, रेगिस्तान में दाहिने बाएं देखती मेरी बच्ची सकीना किधर हो, बेटी सकीना किधर हो, मगर कहीं नहीं दिखाई देती। थोड़ी दूर चली थी, देखा राह के किनारे एक चादर ओढ़े एक बीबी बैठी है, आगे दौड़ती हुई आई तेजी से कि इससे शायद पता चल जाए। आगे बढ़ के कहा बीबी तुमने इधर किसी कमसिन बच्ची को तो नहीं देखा जो प्यासी रही हो, तत्सनरत रही हो, कहा कहो कहा कि वो हमारी बच्ची है ऊंट से गिर गई है। अब जब नजदीक आई तो देखा सकीना और मुअज्जमा की गोद में सो रही है, मैं समझा ज़ैनब बढ़ के बच्ची को गोद में ले लेंगी, मगर ज़ैनब रुक गई, कहा बीबी जब से इसका बाबा मारा गया जो इसके करीब आया तादियाने मारे तमाचे मारे, अरे तुम कौन हो जिसकी गोद में इतनी चैन से बच्ची सो रही है। बीबी ने नकाब हटाई, बेटी ज़ैनब ये तेरी अम्मा है, मेरे पलाल के सीने पे सोने वाली फूल जैसी बच्ची बियाबान में गिर गई थी, मैं छोड़ के आ गई हुसैन की लाश को, अम्मा देखो तो, मगर बच्ची के कान भी जख्मी है, रुखसार भी नीलू है, सीने की पसलियां दिखाई दे रही हैं जैसे तुम्हारी पसलियां टूटी थी। वसयालमुल्लदीना ज़लमू अय्यमुत ज़लमीन मलबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिल ज़ालिमीन। मातमे हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।